सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बारे में जब राकेश बापट को पता चला तो क्या था उनका रिएक्शन? दरअसल सिद्धार्थ ने जो आखिरी शोज कुछ किए थे उसमें बिग बॉस OTT भी एक था और उसमें वो नजर आए थे, शहनाज के साथ गए थे। आखिरी दिन राकेश ने कहा कि मुझे पता चला सिद्धार्थ हमारे बीच में नहीं रहे और इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वास करना ही मुश्किल था कि मैं कैसे विश्वास करे कि सिद्धार्थ हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि हम सब इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। हमें बिग बॉस के घर में आखिरी दिन सिद्धार्थ के बारे में पता चला, हम इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके जाने से एक चीज़ जो है हमें रियलाइज़ हुई कि हमें नफरत नहीं फैलानी चाहिए, हमें लोगों के साथ दया से रहना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि जैसे ही हम सबको ये बात पता चली, हम सब जो है सोच रहे थे कि ये बेफिजूल के जो झगड़े हैं, तर्क हैं, वो हम क्यों कर रहे थे। जीवन कितना छोटा है, कल क्या हो जाए किसी को पता ही नहीं। आज में जियो, दूसरों पे कीचड़ उछालने से क्या फ़ायदा है। हम सभी किसी ना किसी तरह से महसूस करने लगे कि हम एक ही पेज पर हैं। ये फील हुआ कि ये सब केवल ट्रॉफी जीतने के लिए सभी झगड़े, जो नेगेटिव बातें हुई वो कितनी अनावश्यक थी, और सब चीज़ें जो हैं धीरे धीरे सही होने लगी। मुझे बुरा लगा, दुख हुआ और घर में सभी झगड़ों और गलत बातों के लिए भी मुझे बहुत गुस्सा आया। वो आगे कहते हैं कि वो दोनों हमारे घर आए थे, कभी कोई सोच सकता है कि एकदम अचानक ऐसी खबर आ जाएगी। सिद्धार्थ के जाने से ये एहसास हुआ कि कल के बारे में कुछ नहीं पता, नेगेटिव बातें, नफरत छोड़ देनी चाहिए, खुशियां देने की ज़रूरत है एक दूसरे को। तो इस तरह की बात जो है अब राकेश बापट ने कही है और बताया है कि सिद्धार्थ का जाना जो है उन्हें भी जीवन में बहुत कुछ सिखा गया।